आपका आपके भाई नियर हब एजेंसी कैसे पता करे? आपने कुछ ऑर्डर किया और फिर आपका ऑर्डर काफ़ी करीब आता है, आपका कोरियर लेके आता है, कोरियर कहाँ से लेके आता है और कौन सा सेंटर होता है, कितने करीब होता है आपके पास, है भी कि नहीं, इसके बारे में वो कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जो फ्रेंचाइजीज है फ्लिपकार्ट का, जिसने भी लिया है, जो भी आपका नियर हब है, जो आपका सेंटर है फ्लिपकार्ट का या फिर डिलीवरी पार्टनर का, वो कहाँ पर होता है, ठीक है, उसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई मेरे सबके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो आगे भी लाता रहता है। चलिए भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले भाई आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आना। भाई फ्लिपकार्ट पे ही वो ट्रिक है, वो चीज़ है जहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका जो सेंटर हब है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो चाहो तो। तो भाई सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपको माय ऑर्डर पर क्लिक करना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपने कुछ ऐसे ऑर्डर पहले कर चुके होंगे, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऑर्डर तो पहले किए होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, देखो आप देख रहे हो। जैसे भाई यहाँ पर आप चाहो तो कोई एक ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, आप कोई भी ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शूज़ मैंने ऑर्डर किया था, वो मेरे पास शिफ्ट हो भी चुका है, तो हम इस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो ईकॉम एक्सप्रेस लिखा है, ये आपके में भी लिखा होगा, या फिर ई कार्ड लिखा होगा, ठीक है ना, ये लॉजिस्टिक को लिखा होगा, जो भी लिखा हो उसका आपको ये एक मतलब AW नंबर होता है, तो आपको इस नंबर को कॉपी करना है, ठीक है ना। आपको इसको कॉपी करके सिंपल आपको बैक आना है। अब दोस्तों इस नंबर से आप ये पता कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ से आया था और कहाँ तक आ पाया है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ रुका था और कहाँ कौन से सेंटर हब तक गया था और वहाँ से कैसे मेरे पास आया था, ठीक है, और आपके आसपास जो एरिया था वहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ था, ये सब पता कर सकते हो। वो बताने वाला हूँ कैसे। दोस्तों आपको सिंपल थोड़ा सा इसको कट कर देना है, और दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको ecomexpress.in, ये वाली वेबसाइट आपको सर्च करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये वाली आपको वेबसाइट सर्च करना है। इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूँगी। यहाँ पर लिखा है AR विल ऑर्डर नंबर, तो आपको जो मैंने आपको कॉपी किया था आपके सामने ecomexpress नंबर, तो आपको यहाँ पर सिंपल लिख देना है। तो भाई यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ अपना AWD नंबर, ठीक है, जो भी मेरा नंबर था। और दोस्तों लिखने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल ट्रैक नाउ पर क्लिक कर देना है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो भाई लिखने के बाद सिंपल है ट्रैक पर क्लिक करने के, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप देख रहे हो भाई कि यहाँ पर देखो मैंने कब ऑर्डर किया था, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो AWD नंबर आपका दिखा जैसे मैंने आपको बताया था, और भाई यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, आपका जो भी डिलीवरी हब है वहाँ से आप पता लगा सकते हो। भाई देखो यहाँ पर लिखा है झज्जौर, ठीक है, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट आया था, फिर यहाँ पर गुरुग्राम गया था, फिर यहाँ पर ट्रांसन सपोर्ट हुआ था गुरुग्राम पर, फिर दोस्तों ये मेरा पानवरिया जो मेरे करीब है, जैसे कि आपको भाई जो नीचे लिखा ना ये पानवरिया जैसे मेरा है, आपको जो भी आप लोग ट्रैक करोगे जो भी आपका सिटी का नाम होगा सबसे नीचे वाला, वही दोस्तों आपका सेंटर हब है, और आपको नाम पता भी होगा क्योंकि आपके एरिया का है वो और जाना माना नाम होगा वो, तो आप दोस्तों वहाँ से पता लगा सकते हो कि भाई ये आपका सेंटर हब कहाँ पर होता है, ठीक है। और भाई वहाँ पर जाके आप ये पता लगा सकते हो कि सेंटर कहाँ पर, कोई भी बता सकता है आपको। तो भाई यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपका मेन सेंटर हब कहाँ से आता है, मतलब यहाँ से शुरुआत होती और हमेशा आपका जैसे मेरा नीचे नाम लिखा है पानवरिया, आपका कोई भी हो सकता है, तो जो आपका सिटी का नाम है वहीं पर आपका सेंटर हब है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई आई हो भाई चीज़ को समझ में आया होगा, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल में और भी आगे लाता रहूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।